देखो भाई, 10th क्लास का जो हो ना, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आरडी शर्मा के मैथ में। और जब मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया था नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि जो आरडी शर्मा का मैथ है ना, उसमें जो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, उसके दो चैप्टर इन्हें बना रखे हुए। इस चैप्टर के जो है ना, इन्होंने दो चैप्टर बना रखे हैं। दो चैप्टर कौन कौन से भाई? एक तो इन्होंने बना रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, और एक इन्होंने बना रखा है भाई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी भाई। ये तो इन्होंने जो है ना 10th चैप्टर बना रखा है भाई, और यो इन्होंने बना रखा है भाई 11th चैप्टर भाई। और जो एनसीईआरटी की बुक है ना, जो एनसीईआरटी की बुक है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो है ना, वो आपकी 8.1, 8.2 और 8.3 एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी की बुक में जो आपकी 8.1, 8.2 और 8.3 एक्सरसाइज है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री रेशो की है, पर आरडी शर्मा में वो 10th चैप्टर है। और जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है ना, जो कि आरडी शर्मा में आपका 11th चैप्टर है, पर एनसीईआरटी की बुक में जो 8.4 एक्सरसाइज है भाई। एनसीईआरटी में क्या है मेरा 8.4 एक्सरसाइज है। तो अब तक हमने जो है ना, जो 10th चैप्टर कंप्लीट कर लिया, यानी एनसीईआरटी का हमने 8.1, 8.2 और 8.3 एक्सरसाइज हमने पढ़ ली। आज हम स्टार्ट करेंगे भाई 11th चैप्टर, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जो कि आपका एनसीईआरटी की बुक में 8.4 एक्सरसाइज है भाई। तो पहले इसका बेस सुनो, उसके बाद करेंगे स्टार्ट। देखो कुछ तो जो बेस है ना, वो पहले वाला ही है भाई। पहले वाला यानी चैप्टर की जो स्टार्टिंग है ना, जब मैंने की थी तो मैंने आपको एक फ्रेज बताया था। क्या फ्रेज बताया था भाई? फ्रेज मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये फ्रेज मैंने आपको बताया था भाई। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका नाम था भाई साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका नाम था कोस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका नाम था टेंजेंट थीटा। ये अपॉन ये, इसका नाम था भाई कोसिकेंट थीटा। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, इसका नाम था सिकेंट थीटा। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका नाम था भाई कोटेंजेंट थीटा था मेरा। उसके बाद मैंने आपको बताया जो साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा की मल्टीप्लाई 1 होती है भाई। साइन थीटा इंटू में कोण कोसिकेंट थीटा इक्वल टू मेरा 1 होता है। कोस थीटा और सिकेंट थीटा की जो मल्टीप्लाई है वो भी 1 होती है। कोस थीटा इंटू में कोण सिकेंट थीटा, इसकी भी मल्टीप्लाई 1 होती है। और टेंजेंट थीटा इंटू में कोट थीटा, इनटू में कोट थीटा, इसकी भी मल्टीप्लाई आपकी 1 होती है। ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। उसके बाद दो फॉर्मूले मैंने और बताए कि जो टेंजेंट थीटा है ना, वो साइन कोस के फॉर्म में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है भाई। जो मेरा कोट थीटा है ना, ये मेरा होता कोस थीटा अपोन में कोण साइन थीटा होता है। टेन थीटा होता साइन अपोन कोस, और कोट होता कोस अपोन साइन भाई। एक दो चीज मैंने आपको और बताई कि जो कोसिकेंट है ना, वो 1 अपोन साइन होता है। कोसिकेंट होता साइन का उल्टा, यानी कोसिकेंट मेरा कौन होता है? कोसिकेंट मेरा होता है भाई 1/2 साइन थीटा होता है। उसके बाद जो सिकेंट है वो कोस का उल्टा है, यानी जो सिकेंट थीटा है
वो मेरा होता है भाई एक अपॉन कोस थीटा होता है, और टेंजेंट कौन होता है, टेंजेंट अपना होता है भाई एक बटे कोट थीटा होता है। यहां तक सब कुछ हमने पढ़ लिया कि टेंजेंट मेरा कौन होता है, एक बटे कोट थीटा। उसके बाद नए फॉर्मूले देखो भाई, अब तीन फॉर्मूले और हैं जिसके ऊपर आपका 11th चैप्टर बेस्ड है, यानी कि एनसीईआरटी का 8.4 एक्सरसाइज बेस है भाई। देखो वो तीन फॉर्मूले आपके कौन से हैं भाई, पहली बात वो जो फॉर्मूले है ना उनका नाम है भाई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी ही उनका नाम है। सबसे पहला फॉर्मूला भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरा, वन होता है। यह आपकी पहली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। अगर थोड़ा सा इसको घुमा फिर आगे देखूं तो जो साइन स्क्वायर थीटा वो कौन होगा, वन माइनस कोस स्क्वायर। अगर थोड़ा आप इसको घुमा के लिखोगे ना तो साइन स्क्वायर थीटा कौन होगा, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से कोस स्क्वायर थीटा निकाल लूं, अगर मैं यहां से कोस स्क्वायर थीटा निकाल लूं तो वो मेरा बनेगा भाई वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकाल लूं तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा निकाल लूं तो वन माइनस साइन स्क्वायर। सेकेंड है भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी वन होता है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी क्या होता है मेरा, वन होता है। अगर मैं यहां से सीकेंट स्क्वायर थीटा निकाल लूं तो वो मेरा बनेगा वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से टेंजेंट स्क्वायर थीटा निकाल लूं तो माइनस का ना तो इसको लेकर जाओगे उस साइड, ये वन लिया होगी इस साइड, तो यहां से जो है ना टेंजेंट स्क्वायर थीटा बनेगा सेकेंट स्क्वायर माइनस में वन, तो क्या बनेगा सेकेंट स्क्वायर माइनस में वन। और लास्ट आपकी है भाई कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी वन होता है। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी क्या होता है, वन। अगर मैं यहां से कोसेकेंट स्क्वायर थीटा निकाल लूं, अगर मैं यहां से कोसेकेंट स्क्वायर थीटा निकाल लूं तो वो मेरा बनेगा वन प्लस कोट स्क्वायर, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से कोट स्क्वायर थीटा निकाल लूं ये माइनस का ना तो इसको लेकर जाओगे उस साइड, वन को इस साइड में, तो कोट स्क्वायर थीटा तो वो आपका बनेगा कोसेकेंट स्क्वायर माइनस में वन, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस में कौन, वन। तो मेन आपकी जो है ना ये तीन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, क्या नाम इनका, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। अगर आपको ये याद है बाकी घुमा फिर आप खुद भी लोगे। तो पहली कौन है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सेकेंड है सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, और थर्ड कौन है भाई कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी कौन होता है मेरा, वन होता है। तो तीन आपकी कौन है भाई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है जो कि आपने याद करनी है। अब जो आपकी 11.1 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.1 जो कि एनसीईआरटी की आपकी कौन सी है भाई 8.4 है, उसमें क्या होगा, उसमें आपको जो है ना कोई रेशो इक्वल टू रेशो प्रूव करनी है, कोई रेशो इक्वल टू रेशो आपने प्रूव करनी है। तो जब रेशो इक्वल टू रेशो आपने प्रूव करनी है पहले बात तो उनको प्रूव वही कर पाओगा जिसका ध्यान जो हमने प्रूव करना है ना उसके ऊपर होगा। अगर आपका ध्यान उसके ऊपर नहीं है तो आप प्रूव कर ही नहीं पाओगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात भाई अगर डिवाइड में वन प्लस साइन थीटा
वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस कोस थीटा या वन माइनस कोस थीटा हो, तो हमेशा करोगे रैशनलाइजेशन करोगे। क्या करोगे? रैशनलाइजेशन करोगे। कब? अगर डिवाइड में वन प्लस साइन, वन माइनस साइन, वन प्लस कोस या फिर वन माइनस कोस हो, तो दो रूल हो गए। पहला रूल आपका जो ध्यान है ना, जो हमने प्रूव करना उसके ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर डिवाइड में इन चारों में से हो, वन प्लस साइन, वन माइनस साइन, वन प्लस कोस और वन माइनस कोस, तो हमेशा क्या करोगे? रैशनलाइजेशन करोगे। तीसरा रूल भाई, अगर डिवाइड में एक टर्म हो तो हमेशा अलग अलग करोगे डिवाइड में, हमेशा क्या करोगे? अलग अलग डिवाइड में करोगे। चौथा रूल है भाई, अगर पावर वगैरह हो तो आप उसको खोलोगे यानी एक्सपेंड करोगे। अगर दो के मल्टीप्लाई है तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। और लास्ट आपका रूल है भाई, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए कि मैं इसको कैसे प्रूव करूं, तो आप पूरे क्वेश्चन को साइन कोस में ब्रेक करोगे। क्या करोगे? साइन कोस में ब्रेक कर लोगे। और साइन कोस में ब्रेक कैसे करोगे? देख, साइन कोस तो साइन कोस में है, अगर कोसेकेंट हो तो वहां लिखो वन अपॉन साइन, सेकेंट हो तो वहां लिखो वन अपॉन कोस, टेंजेंट हो तो साइन अपॉन कोस, कोट हो तो कोस अपॉन साइन, सारा क्वेश्चन साइन कोस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखो भाई, तो एक्सरसाइज है 11.1, तो आपने प्रूव करना है, टू प्रूव। जैसे फर्स्ट ही है मेरा भाई, तो फर्स्ट में हमने प्रूव करना है वन माइनस कोस स्क्वायर ए, वन माइनस कोस स्क्वायर ए इनटू में कौन कोसेकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्रूव करना है भाई। ये इक्वल टू ये प्रूव करना है, कई बार बता लिया, प्रूव डेट मतलब लेफ्ट इक्वल टू कौन राइट आपने प्रूव करनी है। अब देखो ना, तो रूल ये होता कि आप लेफ्ट ही उठाओगे, और ना रूल ये होता कि आपने राइट ही उठानी है, आपने वो उठानी है जो बड़ी साइड हो, जिसको आप सोल्व कर सको। देखो यहाँ तो कुछ है ही नहीं सोल्व करने को, तो आप क्या उठाओगे? लेफ्ट ही उठाओगे। उठाओ लेफ्ट हैंड भाई, तो सॉल्यूशन तो लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है? वन माइनस कोस स्क्वायर ए इनटू में कौन कोसेकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्रूव करना है। अब देखो आपको कुछ समझ में आंदा, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो देखो कुछ भी नहीं है। वन माइनस कोस स्क्वायर, वन माइनस कोस स्क्वायर कौन होता है? साइन स्क्वायर। लिखो यहाँ पर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए इंटू में कौन कोसेकेंट स्क्वायर ए। अब दोनों को ऊपर टू पावर है, दोनों को ऊपर टू पावर है ना, तो आप इकट्ठी लिख सको, कोई दिक्कत नहीं। यानी साइन ए इंटू में कोसेकेंट ए इकट्ठी में लिख सको, कोई भी दिक्कत नहीं। और क्या रूल पढ़ रखे हैं? साइन और कोसेकेंट की मल्टीप्लाई वन होती है अगर एंगल सेम हो। देखो एंगल सेम है तो मल्टीप्लाई वन होगी, और वन के ऊपर स्क्वेयर, और वन का स्क्वेयर वन, एंड इक्वल टू कौन आ गया भाई? राइट हैंड साइड। वही हमने प्रूव करना होगा। इन मतलब मेन फॉर्मूले हैं भाई, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो कुछ भी नहीं, अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता तो ये सब कुछ है भाई। एक और देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर थ्री है भाई, देखो थ्री में आपने प्रूव करना है टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इनटू में कौन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्रूव करना भाई वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा भाई इक्वल टू कौन वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और प्रूव मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट, और नॉर्मली जो है ना लेफ्ट ही उठाते हैं भाई, उठाओ लेफ्ट हैंड, तो सॉल्यूशन तो लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट में लिखा हुआ है टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू में कौन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये प्रूव करना है। देखो कुछ समझ में आ रहा हो तो,
और जब कुछ भी समझ में ना आए तो रूल एक के है भाई, आप उसको साइन कोस में चेंज कर लो, पूरा पूरा जो क्वेश्चन है ना उसको साइन कोस में चेंज कर लो, अपने आप प्रूव होगा। देखो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बनाऊं, तो इसको साइन कोस में करो ना चेंज, ये तो साइन कोस में आए इसको साइन कोस में कर लो। तो टेंजेंट कौन होता है, साइन अपॉन कोस, और ऊपर स्क्वेयर है तो साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर इनटू में कोण कोस स्क्वेयर, कोस स्क्वेयर तो कोस स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो ये आपका भाई साइन स्क्वेयर थीटा, पर हमने तो ये प्रूव करना है। तो साइन स्क्वेयर थीटा कौन होता है, वन माइनस कोस स्क्वेयर, लिख दो इसकी जगह इक्वल टू कोण वन माइनस कोस स्क्वेयर, वही हमने प्रूव करना है। तो मेन तो ये फॉर्मूले हैं भाई, और इन फॉर्मूले के बाहर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं होता, तो आपको ये याद करने फिर क्वेश्चन आपके लिए आसान है। तो तीन या चार रूल मैंने आपको बता दिए, सबसे पहला रूल कि आपने जो है ना जहाँ तक पॉसिबल हो उस चीज को एक्सपेंड करना है, यानी पावर वगैरह हो तो पावर खोलो, दो की मल्टीप्लाई हो तो उनको मल्टीप्लाई करो, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो साइन कोस में चेंज करो, अगर डिवाइड में वन प्लस साइन वन माइनस साइन वन प्लस कोस या वन माइनस कोस हो तो क्या करोगे रैशनलाइजेशन करोगे, उसके बाद डिवाइड में एक टर्म हो तो हमेशा अलग अलग करोगे। तो चलो फिर बाकी कल, आज तुमने यहाँ तक करना है।